10 reasons I will be discussing in this video why students score less marks in the entrance examination. या तो फिर ऐसा सोच लो कि एक above average college भी नहीं मिलता MBA program को लेके. So do watch this video very carefully and share this to all your friends so that they should also be benefited from this video. Alright, before I start, Manuver MBA Entrance, there is a separate channel जहाँ पे आपको MBA specific videos मिलेंगे. ये वीक में मैं live streaming करने वाला हूँ MBA Entrance channel पे. Kindly subscribe this channel. अगर आप Manuver MBA Entrance channel पे देख रहे हो ये video तो subscribe कर लो. But अगर आप ये Manuver Education channel पे देख रहे हो तो link मैंने description में दिया है Manuver MBA Entrance का, subscribe कर लो. Okay. सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है less or zero awareness about the examination. Before we start our entrance preparation. एग्जाम के बारे में स्टडी करना बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लानिंग फॉर द कैट, आई एम प्लानिंग फॉर द सीटीसी मैट. तो एग्जाम के बारे में डिटेल में स्टडी, व्हाट एग्जाम डिमांड्स, व्हाट आर द कॉलेजेस, व्हाट आर द कट ऑफ, व्हाट आर द सिलेबस, ये सारे अवेयरनेस आपको होनी चाहिए. कॉलेजेस कौन कौन से हैं एंड फीस क्या होगी कॉलेज की और सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या होगा. तो एक दिन लगाओ, दो दिन लगाओ, एक हफ्ता लगाओ आपके साथ, बिकॉज इट इज़ अबाउट योर करियर. तो थोड़ा सा डिटेल में स्टडी कर लो अबाउट द एग्जामिनेशन, देन स्टार्ट योर एंट्रेंस प्रिपरेशन. दिस इज द नंबर वन. नंबर टू इज नथिंग बट सिलेबस अवेयरनेस. जो भी एंट्रेंस आप टारगेट कर रहे हो, आइडली एक से ज्यादा लोग एंट्रेंस लिखते हैं. लाइक पीपल राइट कैट अलॉन्ग विद दिस नॉन कैट के एग्जाम लाइक सीटीसी मैट एंड मैट स्नैप या दूसरे भी एग्जाम्स पीपल राइट. तो हर एग्जाम में सिलेबस क्या आता है, कितने सेक्शंस आते हैं और उसमें टॉपिक क्या क्या है, इसके डिटेल में स्टडी होनी चाहिए. सो एट मैनुअल सिलेबस को लेके वी कीप ऑन टॉकिंग एंड मेरा जो फर्स्ट सेशन होता है क्लासरूम, चाहे वो लाइव क्लास है, मैं डिटेल में सिलेबस में डिस्कस करता हूँ. ऑल्सो आई टॉक अबाउट द टॉपिक्स की क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं और किस किस टॉपिक पे आपको क्या प्रॉब्लम आएगी, वो मैं पहले से बता देता हूँ सो दैट आपको पता हो कि हाँ भाई पढ़ाई चालू करनी है और ये टॉपिक में इस तरह से मुझे एक्शन लेना है, वर्कआउट करना है. ओके. थर्ड इज नथिंग बट कॉमन सिलेबस वर्सेस एग्जाम स्पेसिफिक सिलेबस. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप कैट प्रिपेयर कर रहे हो तो कैट में आप जो LRDI पढ़ोगे सेम LRDI आपको CET CMAT में नहीं आएगा. मतलब हाँ उसके कुछ पार्ट आएंगे, उसके साथ साथ एक्स्ट्रा टॉपिक आपको जो CET CMAT में आते हैं, जो कैट में नहीं आते, वो आपको पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. तो क्या क्या कॉमन सिलेबस है सारे एग्जाम्स को लेके, उसकी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए और क्या क्या एग्जाम स्पेसिफिक टॉपिक मुझे करने की जरूरत है, इसके बारे में स्टडी कर लो. और ये तभी कर लो जब आप एग्जाम के बारे में डिटेल में स्टडी कर रहे हो. आपने प्रिपरेशन चालू नहीं किया, अभी आप एग्जाम के बारे में स्टडी कर रहे हो. ओके. फोर्थ इज नथिंग बट द एग्जाम पैटर्न एंड अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी. एग्जाम में क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस और पैटर्न क्या क्या है और एग्जाम को मैं अटेम्प्ट कैसे करूंगा, मतलब सेक्शन वाइज मैं कैसे पेपर को अटेम्प्ट करूंगा. कुछ एग्जाम में मार्किंग सिस्टम नेगेटिव है तो मुझे वहां पे ध्यान रखना है, कुछ एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मुझे पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है. किसी एग्जाम में स्पीड चाहिए, किसी एग्जाम में एक्यूरेसी चाहिए, तो इन सब पे काम करने की जरूरत है. फिफ्थ पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी एग्जाम इज डिफरेंट बॉल गेम. जैसे आपने कैट को अटेम्प्ट किया था वैसे ही आप CET को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, वैसे ही आप CMAT को अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो. जैसे आपने CET अटेम्प्ट किया था वैसे आप CMAT अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज CMAT में टाइम बहुत है, एक्यूरेसी रिक्वायर्ड है. CET में एक्यूरेसी तो चाहिए प्लस स्पीड चाहिए, भागना है वहाँ पे. वैसे ही आप NMAT, SNAP सारे एग्जाम्स अलग तरीके से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड आपकी प्रिपरेशन सिमिलर है नो डाउट, बट एग्जाम को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी अलग होगी एवरी एग्जाम्स को लेकर. ठीक है. सिक्स पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. कौन से सेक्शन में मैं अच्छा कर रहा हूँ और इसको मैं और बेहतर कैसे बना सकता हूँ, और कौन से सेक्शन में मैं वीक हूँ तो उसको मुझे कैसे मैनेज करना है सो दैट मेरा एग्जाम में स्कोर अच्छा है, मैं एग्जाम में टाइम मैनेज कर पाऊँ. तो ये आपको मॉक लिख के समझ में आएगा. तो ये आपको समझने की जरूरत है व्हाई यू आर प्रिपेयरिंग एंड जब भी आप टॉपिक टेस्ट और बाकी के मॉक टेस्ट लिख रहे हो. सेवन पॉइंट इज नथिंग बट फेस द कॉम्पिटिशन. अगर आप अकेले ही से प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको लगेगा यार मैं तो हीरो हूँ, मैं तो अच्छा कर रहा हूँ. ठीक है. जब आप कॉम्पिटिशन में होते हो, जब आप एक 15-20-50 लोग के बीच में प्रिपेयर करते हो, तब आपको समझ में आता है आटे और दाल का भाव. राइट. तो मुझे कितना आता है, मेरा कौन सा सेक्शन अच्छा है, बाकी के लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और मेरा परफॉर्मेंस डाउन है या अच्छा है. तो आपको थोड़ा सा कॉम्पिटिशन आजू बाजू चाहिए. तो वो एक बेस्ट पार्ट है कोचिंग का, वेन यू ज्वाइन एनी कोचिंग, चाहे लाइव क्लास है तो क्लासरूम. सो यू गेट द कॉम्पिटिशन वेन यू ज्वाइन एनी क्लासेस. ठीक है. एज आई ऑलवेज से 30% एनी कोचिंग कैन हेल्प यू, 70% आपको खुद मेहनत करनी है, आपको प्रिपेरेशन आपको खुद ही करनी है. सुबह उठ के पढ़ाई आपको करनी है, प्रैक्टिस आपको करना है, टेस्ट आपको लिखना है, एनालिसिस आपको करनी है, ये सारे काम आपको करने हैं. सो कोचिंग कैन हेल्प यू विथ रिगार्ड्स टू द रिसोर्सेज, गाइडेंस, मेंटरशिप, ये सब चीज़ को लेके कोचिंग कैन हेल्प यू. सो हेयर कम्स योर 8th पॉइंट विच इज नथिंग बट दी प्रॉपर मेंटरशिप एंड गाइडेंस. सो हु इज योर मेंटर, फ्रॉम होम यू आर टेकिंग गाइडेंस, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट. सो अगर किसी ने MBA का एंट्रेंस लिखा है, क्रैक किया है,
वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर पाएगा। बट जिसने एग्जाम लिखा ही नहीं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहा है एग्जाम के बारे में, दैट इज फाइन। किस कॉलेज में जाना चाहिए, वहाँ पे क्या प्लेसमेंट होगा, प्लस आपका जो ओवरऑल जो प्रिपरेशन जर्नी होगा उसके साथ साथ आपका जो कॉलेज को लेके इंटेंशन होना चाहिए उस कॉलेज में, आपका स्ट्रीम वाइज मार्केटिंग, फिनांस, एचआर, ऑपरेशन, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। सब्जेक्ट वाइज आप कैसे प्रिपेयर करोगे, सब्जेक्ट में अगर आप वीक हो तो वहाँ पे कैसे टैकल करना है। सो ऑल दिस थिंग विल बी लर्निंग फ्रॉम योर फैकल्टी, फ्रॉम द मेंटर टू हू वेयर एवर यू हैव जॉइन द कोचिंग पार्ट। ठीक है, तो मेक श्योर कि मेंटर उसको बनाओ जिसने एग्जाम लिखा है, जो आपको डिटेल में गाइड कर पाएगा, जिसने एक्सपीरियंस किया वही आपको अच्छे तरीके से गाइड कर पाएगा। ओके, नाइन पॉइंट इज नथिंग बट मॉक टेस्ट राइटिंग एंड एनालिसिस। जितने भी एंट्रेंस आप लिख रहे हो सबको लेके आपके मेनुअर के पोर्टल पे फुल लेंथ मॉक है, टॉपिक वाइज है एंड सेक्शन वाइज मॉक है। Kindly write the mock test and do have a detailed analysis of the mock before you go for the any entrance examination. चाहे आप 23 लिख रहे हो या 24 के exams लिख रहे हो, analysis of the mock is more important than writing the mock. तो ये काम आपको without fail करना ही करना है। 10th point, again it is important, do decide कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है। उस कॉलेज का फोटो निकालो, कलर प्रिंट आउट निकालो, ब्लैक एंड व्हाइट भी नीचे ना, तो सपने भी ब्लैक एंड व्हाइट आएंगे। ठीक है ना, कलर प्रिंट आउट निकालो एंड स्टिक ऑन द वॉल जहाँ पे आप स्टडी करते हो। आपके स्टडी टेबल के सामने होना चाहिए आपका ड्रीम कॉलेज जहाँ पे आपको जाना है, और एम करो कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है। उसके लिए जो भी एग्जाम में स्कोर रिक्वायर्ड है, मैं मेहनत करने को लिए सही हूँ। 2 साल का MBA करने के बाद मतलब योर करियर शुड बी सॉर्टेड। तो अभी जो मेहनत एंट्रेंस को लेकर आप कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको 2 साल के बाद डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, बट ये सारी चीज़ें अचीव तब होगी जब आप सारे 10 पॉइंट्स पे अच्छे से काम करोगे। तो दैट्स ऑल गाइस इन दिस वीडियो विद रिगार्ड्स टू द प्रिपरेशन। इफ यू आर मुंबई बेस्ड यू कैन चेक आउट आवर क्लासरूम कोचिंग दादर, बोरीली, वसई एंड थाने। बट इफ आर नॉट मुंबई बेस्ड, लाइव क्लासेस के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर। बाकी बुक्स ऑर्डर करनी है, आपको सेल्फ स्टडी प्रोग्राम चाहिए, सेक्शनल प्रोग्राम चाहिए, या तो आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। एंड या वेरी इंपॉर्टेंट, डू शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स शुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। एंड या मेनुअर MBA एंट्रेंस चैनल यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।